देखो ट्रांसिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स तुम लोग मैं डायग्राम में फिर से नहीं ड्रॉ करूंगा, तो सर्क्यूट डायग्राम एक बार निकाल के साइड पे रखना। अगर आ गया होगा, प्रैक्टिस किया है तुम लोग अच्छे से आ गया होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं आया तो सर्क्यूट डायग्राम को निकाल के रखना, क्योंकि सभी पॉइंट्स में पूरा वो सर्क्यूट डायग्राम के ऊपर ही बताया था ना, तो इसलिए हो। तो आज ट्रांसिस्टर का लास्ट क्लास है। देखो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक मतलब बताया मैंने ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट। इनपुट साइड पोटेंशियल देखो डायग्राम में VVE, करंट देखो IB। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ग्राफ बिटवीन VVE एंड IB, VCE को कांस्टेंट रखना। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इज ग्राफ बिटवीन VBE एंड IB विथ VCE एज कॉन्स्टेंट। और एक पॉइंट लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इनपुट साइड ट्रांसिस्टर का इनपुट साइड डायोड का फॉरवर्ड बायस की जैसे, मतलब फॉरवर्ड बायस जंक्शन डायोड की जैसा बिहेव करेगा। इनपुट साइड ऑफ ट्रांसिस्टर इज सिमिलर टू फॉरवर्ड बायस्ड जंक्शन डायोड। इनपुट साइड ऑफ ट्रांसिस्टर इज सिमिलर टू फॉरवर्ड बायस्ड जंक्शन डायोड, जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायस को सिमिलर रहेगा, इसलिए ग्राफ भी वैसे ही होगा। तो इसमें VBE एक्स एक्सिस में, IB y एक्सिस में, VB ऑन x एक्सिस, IB ऑन y एक्सिस, और IB माइक्रो एम्पियर करंट, ऑर्डर ऑफ बेस करंट माइक्रो एम्पियर। तो डायोड फॉरवर्ड बायस में बैरियर पोटेंशियल तक आउटपुट नहीं मिलेगा, अप टू बैरियर पोटेंशियल आउटपुट इज नॉट अटेंड। उसके बाद पोटेंशियल को इंक्रीज किया है, करंट भी इंक्रीज होगा, तो इसमें क्या है, अप टू बैरियर पोटेंशियल देर इज नो आउटपुट। After barrier potential, with the increase in potential VBE, IB also increases. मतलब graph VB तक बैरियर पोटेंशियल तक आउटपुट नहीं आएगा, तो ग्राफ ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा तो ये वीबी इधर से स्टार्ट होगा, तो पोटेंशियल इंक्रीज, करंट आल्सो इंक्रीज, वीसीई का वैल्यू जीरो वोल्ट्स। कांस्टेंट रखना है सिर्फ, जीरो कुछ भी रखो
मगर VCA का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। ये हो गया ना। अगर मैं VCE को चेंज किया है समझ, मतलब VCA को मैंने इंक्रीज किया है, क्योंकि ऑलरेडी जीरो, उससे कम नहीं कर सकता हम लोग। VCE को अगर मैं इंक्रीज किया है, मतलब रिवर्स वोल्टेज को बढ़ा दिया है, रिवर्स वोल्टेज मतलब V प्लस VB, ये पॉइंट इस साइड शिफ्ट होगा, V प्लस VB। सुनो पॉइंट फिर से बता दो, VCE को मैंने इंक्रीज किया है, VCE इज इंक्रीज, तो VCE रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज है ना VCE, VCE इज रिवर्स वोल्टेज, तो रिवर्स वोल्टेज तो क्या रहेगा इसमें देख लो, वन बाय रिवर्स वोल्टेज मतलब V प्लस VB, बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाएगा अपने को, मतलब एक ग्राफ राइट साइड शिफ्ट होगा, शेप नहीं है सिर्फ शिफ्ट होगा, शेप तो वही होगा मगर ग्राफ इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट साइड, और इंक्रीज करो और राइट साइड शिफ्ट होगा। तो VCE को अगर हमने चेंज किया है मतलब इंक्रीज किया होगा, ग्राफ इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट साइड, VCE इज इंक्रीज देन ग्राफ इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट साइड। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में एक्स्ट्रा पॉइंट अपने को, इफ द वैल्यू ऑफ VCE इज इंक्रीज्ड, वैल्यू ऑफ VCE इज इंक्रीज्ड देन द ग्राफ इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट साइड। ये अपने को इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स समझ गया। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वी बी ऑन एक्स एक्सिस, आई बी ऑन वाई एक्सिस, बेस करंट का ऑर्डर माइक्रो एम्पियर, और ये जंक्शन डायोड की जैसा, इसलिए ग्राफ भी जंक्शन डायोड की जैसे ही आएगा, मतलब अप टू बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल तक ग्राफ नहीं आएगा। तो बैरियर पोटेंशियल से ग्राफ, मतलब पोटेंशियल इंक्रीज, करंट आल्सो इंक्रीज होगा। तो मैं अगर VCE को इंक्रीज किया है, रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज किया है, ग्राफ इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट साइड, रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज किया है, ग्राफ इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट साइड, ग्राफ राइट साइड शिफ्ट होगा। ये अपने को इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, समझ गया ना, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, नेक्स्ट जो है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स फिर से एक बार सर्क्यूट डायग्राम निकाल के देखना। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ग्राफ बिटवीन VCE एंड IC, आउटपुट वोल्टेज VCE, आउटपुट करंट IC, ग्राफ बिटवीन VCE एंड IC, मगर IB को कांस्टेंट रखना, इनपुट साइड IB। तो क्या है, फर्स्ट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इज ग्राफ बिटवीन VCE एंड IC विथ IB as constant, IB को constant रखना, graph between VCE and IC। input और output characteristics में
आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों बोलना, इसमें लॉजिक ज्यादा है। कोई एक ही लॉजिक है, वो एक लॉजिक अगर तुम लोग को आ गया है तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया समझना। सुनो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो ये इसमें कैसा है ग्राफ, वीसी और आईसी के बीच में सेम वैसे ही है, वीसी एक्स एक्सिस, आईसी वाई एक्सिस, आईसी का ऑर्डर मिली एम्पियर, आईबी का ऑर्डर माइक्रो एम्पियर, कलेक्टर करंट का ऑर्डर मिली एम्पियर, बेस करंट ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स, कलेक्टर करंट ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर। सुनो ये ग्राफ एक्सप्लेनेशन बराबर एक्सपेरिमेंटल है, इसलिए कैसा है नहीं, सिर्फ वो वेरिएशंस को देखना। वीसी अगर जीरो, आईसी भी जीरो, वीसी जीरो आईसी जीरो, तो दोनों जीरो, ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। फर्स्ट पॉइंट, इफ वीसी इज जीरो देन आईसी इज जीरो, सो ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, वीसी को अगर मैंने इंक्रीज किया है, वीसी इंक्रीज करना, आईसी भी इंक्रीज होगा। वीसी को अगर इंक्रीज किया है, आईसी वैल्यू भी इंक्रीज होगा एक मैक्सिमम वैल्यू तक, अप टू मैक्सिमम वैल्यू। और एक बार मैक्सिमम वैल्यू आया है, वीसी को तुम लोग कितना भी इंक्रीज करो, आईसी वैल्यू विल रिमेन कॉन्स्टेंट। सुनो पॉइंट रिपीट करो, वीसी जीरो आईसी जीरो, ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। वीसी को इंक्रीज करना, आईसी भी इंक्रीज होगा, मगर कहां तक, एक मैक्सिमम वैल्यू तक। एक बार आईसी का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आ गया है तो वो कॉन्स्टेंट बन जाएगा, उसके बाद आईसी का वैल्यू बिकम्स कॉन्स्टेंट, आईसी वैल्यू विल बिकम कॉन्स्टेंट आफ्टर रीचिंग। तो उसके बाद तुम लोग कितना भी वीसी बढ़ाओ, आईसी वैल्यू में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट, बाद में ग्राफ, विद द इंक्रीज इन वीसी द वैल्यू ऑफ आईसी इंक्रीजेस अप टू ए मैक्सिमम वैल्यू। वंस द मैक्सिमम वैल्यू इज रीच्ड, IC remains constant, maximum तक increase होगा, और एक बार maximum value आया है, IC का value constant हो जाए, increase maximum constant, IB 0 micro ampere, कुछ भी नहीं, sorry 10 micro ampere, कुछ तो रहेगा ना, IB कुछ तो रहेगा, 10 micro ampere कुछ तो। बस क्या हो रहा है, देखो वीसी इंक्रीज आईसी इंक्रीज, बाद में कॉन्स्टेंट, वीसी चेंज किया तो भी आईसी चेंज नहीं होगा। तो ऑलमोस्ट ड्यूअल नेचर में ऐसे ही ग्राफ आया था अपने को, सैचुरेशन करंट सेम वैसे, मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ेगा उसके बाद कॉन्स्टेंट। अब सुनो इसमें, मुझे ये आईसी का मैक्सिमम वैल्यू को बढ़ाना है, मतलब ये ग्राफ इसको और आगे जाना, ये सुनना सेटिस्फाइड नहीं है मुझे, मुझे आईबी का वैल्यू और बढ़ाना है, तो आईसी का वैल्यू बढ़ाना है
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आईसी को बढ़ाना होगा, आईबी वैल्यू को बढ़ाना चाहिए। मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आईसी आईबी के ऊपर डिपेंड है। इसमें क्या लॉजिक है सर, डायरेक्ट है ना, सुनो, मैक्सिमम वैल्यू तक वीसी आईबी नहीं, मैक्सिमम वैल्यू आईबी वीसी नहीं है, ये लॉजिक है। सुन लो फिर से, मैक्सिमम वैल्यू आने तक वीसी के ऊपर डिपेंड है, आईसी का वैल्यू मैक्सिमम आने तक वीसी के ऊपर डिपेंड है, मगर मैक्सिमम वैल्यू आईबी के ऊपर डिपेंड है। मैक्सिमम वैल्यू आईबी के ऊपर, मैक्सिमम तक वीसी के ऊपर, समझ गया ना। तो मैक्सिमम वैल्यू चेंज करना है, आईबी को चेंज करना, मगर अप टू मैक्सिमम वैल्यू वीसी। मतलब इधर से इधर मैक्सिमम वैल्यू आईबी का कुछ भी नहीं, वीसी ये वैल्यू इधर तक लाना है। सुनो, मैं आईबी को इंक्रीज किया है समझो, तो ये मैक्सिमम वैल्यू और बढ़ेगा, फिर से कांस्टेंट आईबी 20 माइक्रो एम्पीयर्स। ये देखो, इधर से इधर वीसी, इधर से इधर आईबी, तो मैक्सिमम वैल्यू आने तक वीसी, मैक्सिमम वैल्यू को बढ़ाना आईबी। लॉजिक समझ गया ना। सुनो, वो समझने के लिए ये फर्स्ट ग्राफ का देख लो, फर्स्ट ग्राफ का इधर तक वीसी, इसको बढ़ाना है आईबी। सेकेंड ग्राफ का देखो, मतलब इसको क्लोज करके, सेकेंड ग्राफ का इधर से इधर तक ये मैक्सिमम वैल्यू तक वीसी, ये वाला बढ़ाना होगा, फिर से आईबी को इंक्रीज करना। पॉइंट समझ गए कि नहीं, सुन लो फिर से बताऊंगा इसका, क्योंकि एक लॉजिक में कंफ्यूजन नहीं होना। फर्स्ट पार्ट मतलब इसको छोड़ो, ये छोड़ो, तो ये मैक्सिमम वैल्यू इधर तक वीसी, इसको बढ़ाना है, मतलब इसको इधर तक लाना होगा, आईबी को बढ़ाना है। सेकेंड को छोड़, सेकेंड ग्राफ मतलब ये नहीं रहेगा पूरा सेकेंड को, तो इधर से इधर तक मैक्सिमम वैल्यू तक वीसी, अब इसको और बढ़ाना है, आईबी को इंक्रीज करना, मतलब आईबी को और इंक्रीज किया, ऐसा आएगा आईबी 30 माइक्रो एमपी। ये ग्राफ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, समझ गया ना पॉइंट। मैक्सिमम वैल्यू तक वीसी, उसके बाद आईबी, मैक्सिमम वैल्यू को बढ़ाना है आईबी, मैक्सिमम वैल्यू तक वीसी, एक लॉजिक आ गया तो बस हो गया। मतलब थर्ड ग्राफ को पकड़ो, ये वाला ग्राफ, तो इधर से इधर तक, इधर से इधर तक मैक्सिमम वैल्यू वीसी, इसको और बढ़ाना है वीसी नहीं, आईबी को चेंज करना, अप टू मैक्सिमम वैल्यू आईसी डिपेंड्स ऑन आईबी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आईसी डिपेंड्स ऑन आईबी। सुनो, इधर लिखता हूं मैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आईसी चेंजेस विथ आईबी, मतलब इफ आईबी इज इंक्रीज देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आईसी इंक्रीजेस। आईबी को इंक्रीज किया है, आईसी का मैक्सिमम वैल्यू इंक्रीज होगा, समझ गए ना। अप टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आईसी, आईसी का मैक्सिमम वैल्यू आने तक, अप टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आईसी
आई सी डिपेंड्स ऑन वी सी अप टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई सी. आई सी डिपेंड्स ऑन वी सी. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई सी डिपेंड्स ऑन आई बी एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी सी. इंडिपेंडेंट ऑफ एंड इंडिपेंडेंट ऑफ आई बी. सुनो ये पॉइंट का, मैक्सिमम वैल्यू तक आई सी वी सी के ऊपर डिपेंड होगा मगर इंडिपेंडेंट ऑफ आई बी. वही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई सी डिपेंड्स ऑन आई बी मगर वो बी सी के ऊपर इंडिपेंडेंट होगा. तो कभी भी ये पॉइंट ही आना चाहिए तुम लोग को. क्या है वो पॉइंट? मैक्सिमम वैल्यू तक बी सी के ऊपर डिपेंड है, मैक्सिमम वैल्यू आई बी के ऊपर डिपेंड होगा. तो ये लॉजिक आया है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा अपने. देखो अभी बताया था ना, ये एक पॉइंट लॉजिक का है, मैक्सिमम वैल्यू तक वीसी के ऊपर डिपेंड है, मैक्सिमम वैल्यू आईबी के ऊपर डिपेंड है. तो ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ में, ये ग्राफ को है ना थ्री रीजन्स की जैसा डिवाइड कर सकता हूं. आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ थ्री रीजन्स, ये फर्स्ट रीजन, ये वाला सेकंड और ये थर्ड रीजन. ये ग्राफ जो है ये थर्ड, ये वाला वन, ये पार्ट टू और ये थ्री, थ्री रीजन्स में डिवाइड होगा. तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ इज डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन्स. The graph of output characteristics is divided into three regions. Three regions की जैसा divide कर सकता है हम लोग. तो ये three regions मतलब क्या क्या? फर्स्ट रीजन इधर देखो, ग्राफ ही नहीं है अपने को, कट ऑफ रीजन. इधर आई सी का वैल्यू जीरो, फर्स्ट रीजन कट ऑफ रीजन आई सी वैल्यू जीरो. फर्स्ट वन ग्राफ में वन जो लिखा था वो कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन. कट ऑफ रीजन मतलब वैल्यू ऑफ आई सी इज जीरो. कट ऑफ रीजन में वैल्यू ऑफ आई सी जीरो. आई सी का वैल्यू जीरो आना है इनपुट साइड आउटपुट साइड दोनों भी रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है अपने को, दोनों भी रिवर्स बायस में कनेक्ट करना. फॉर कट ऑफ रीजन बोथ इनपुट एंड आउटपुट रीजन्स मस्ट बी इन रिवर्स बायस. इनपुट और आउटपुट रीजन दोनों भी रिवर्स बायस में कनेक्ट करना तो कट ऑफ रीजन आएगा. और ये कट ऑफ रीजन आई सी जीरो मतलब आउटपुट जीरो ना, स्विच ऑफ कंडीशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्विच ऑफ कंडीशन, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ कंडीशन. समझ गया ना? कट ऑफ रीजन मतलब कट ऑफ रीजन आई सी का वैल्यू जीरो. आई सी का वैल्यू जीरो आने के लिए इनपुट साइड आउटपुट साइड दोनों को भी रिवर्स बायस में कनेक्ट करना. बोथ आर रिवर्स बायस,
output is not obtained, output zero, switch off condition. Normal switch की जैसा off किया तो output zero. इसमें second region देखो, second region saturation region बोलना है, second region को saturation region बोलने का. First one cut off region, second saturation region. ये second जो है saturation region. ये saturation region मतलब ये वाला up to maximum value. तो up to maximum value IC is independent of IB. Up to maximum value ये वाला straight line. Saturation region मतलब the value of IC is independent of IB. इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, up to maximum value independent of IB. तो IC is independent of IB. Saturation region IC का value IB के ऊपर depend नहीं होगा. तो saturation region आने के लिए input side output side दोनों भी forward bias में connect करना, cut off में दोनों भी reverse bias, saturation के लिए दोनों भी forward bias. For saturation region, both input and output regions must be in forward bias. दोनों भी forward bias. IC का value independent of IB. और बोथ इनपुट एंड आउटपुट मस्ट बी इन फॉरवर्ड बायस. तो यही स्विच ऑन कंडीशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्विच ऑन कंडीशन. कट ऑफ रीजन स्विच ऑफ, सैचुरेशन रीजन स्विच ऑन. मतलब ये दोनों में एक स्विच की जैसा काम करेगा. ट्रांसिस्टर वर्क्स एज स्विच इन कट ऑफ रीजन एंड सैचुरेशन रीजन. नोट पॉइंट, इन कट ऑफ रीजन एंड सैचुरेशन रीजन ट्रांसिस्टर works as a switch. तो समझ गया ना, दो regions का. Cut off region IC zero, input and output are reverse bias, switch off condition. Second region saturation region, straight line आया है, IC is independent of IB, और दोनों भी forward bias में रखना, switch off. तो दोनों मिला के स्विच की जैसा, कट ऑफ में स्विच ऑफ, सैचुरेशन में स्विच ऑफ. तो ट्रांसिस्टर विल वर्क एज स्विच इन कट ऑफ रीजन एंड सैचुरेशन रीजन. अब थर्ड, ये वाला थर्ड, एक्टिव रीजन. एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन में देखो आईबी का वैल्यू माइक्रो एम्पियर्स में, IC का वैल्यू मिली एम्पियर्स, मतलब 1000 डिफरेंस है. IC इज मेनी टाइम्स लार्जर देन IB. सुनो, थर्ड एक्टिव रीजन में IB माइक्रो एम्पियर्स में, IC मिली एम्पियर्स, 1000 टाइम्स मतलब मेनी टाइम्स. IC इज एक्टिव में द वैल्यू ऑफ IC इज मेनी टाइम्स larger than IB.
वैल्यू ऑफ आईसी, तो आईसी का वैल्यू मेनी टाइम्स लार्जर देन आईबी, आईसी आउटपुट आईबी इनपुट, इनपुट से आउटपुट ज्यादा है, ट्रांसिस्टर वर्क्स एज एम्पलीफायर, ट्रांसिस्टर वर्क्स एज एम्पलीफायर इन एक्टिव रीजन में ट्रांसिस्टर विल वर्क एज एम्पलीफायर। ये अपने को आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का, दो तीन बार वीडियो देखना आ जाएगा तुम लोग को ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। मगर कभी भी ये देखना है कल का वीडियो के साथ देखना, कल का वीडियो पहला देखना बाद में ये दोनों साथ में देखेगा, ट्रांसिस्टर का मेन पार्ट यही अपने को। तो नेक्स्ट क्लास में ट्रांसिस्टर के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग का फार्मूलास और सेमीकंडक्टर्स का लास्ट पार्ट जो बचा है अपने को लॉजिक गेट्स, वो डिस्कस करेंगे, उससे चैप्टर खत्म हो जाएगा।